गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू दी ऑनलाइन स्टडी। आज के इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे बेंकेलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, ये जो मेथड है फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए यूज करता है। ठीक है, इस मेथड से हम पेमेंट के स्ट्रक्चरल इवेल्यूशन को पढ़ते हैं या उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज़ यूज फॉर द स्ट्रक्चर इवेल्यूशन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। बेंकेलमैन बीम इज़ अ लेस एक्सपेंसिव डिफ्लेक्शन मेजरिंग इक्विपमेंट एंड द मेथड ऑफ स्टडी इज सिंपल एंड ईजी टू कैरी आउट। द इंडियन रोड कांग्रेस जो IRC हैज इशूड सम गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग द बेंकेलमैन बीम डिफ्लेक्शन स्टडीज फॉर द स्ट्रक्चरल इवेल्यूशन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड फॉर द डिज़ाइन ऑफ द ओवरले थिकनेस। तो हम इस मेथड की हेल्प से एक तो स्ट्रक्चरल इवेल्यूशन कर पाते हैं, और दूसरा ओवरले थिकनेस को डिज़ाइन कर पाते हैं। देयरफॉर दिस मेथड ऑफ पेमेंट इवेल्यूशन एंड ओवरले डिज़ाइन इज जनरली फॉलोड इन द इंडिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिबाउंड डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है रिबाउंड डिफ्लेक्शन के मैग्नीट्यूड के बारे में। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिबाउंड डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेमेंट व्हेन अ स्टैंडर्ड व्हील लोड ऑफ अ ट्रक इज मूव्ड फॉरवर्ड इज मेजर्ड यूजिंग द बेंकेलमैन बीम। तो बेंकेलमैन बीम की हेल्प से हम रिबाउंड डिफ्लेक्शन के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं ऑन द सेलेक्टेड रोड स्ट्रेच। अ नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द पेमेंट सरफेस। द रिबाउंड डिफ्लेक्शन वैल्यूज ड्यू टू द स्टैंडर्ड व्हील लोड आर नोटेड डाउन एट ईच पॉइंट। दीज डिफ्लेक्शन वैल्यूज जनरली वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड द ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन वैल्यू ऑफ द पेमेंट स्ट्रेच इज एस्टिमेटेड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द इज एस्टिमेटेड बाई द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डिफ्लेक्शन डेटा कलेक्टेड। नाउ इक्विपमेंट, तो क्या क्या इक्विपमेंट है? तो बेंकेलमैन बीम डिफ्लेक्शन, तो जैसे इस पर बीम शब्द का यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बेंकेलमैन बीम विथ डायल गेज यूज करते हैं। लोडेड ट्रक होता है, जैसे स्पेसिफाइड होगा तो लोडेड ट्रक में क्या होगा, रियर एक्सल होगा, फ्रंट एक्सल होगा। रियर एक्सल में क्या होंगे, दोनों साइड क्या होंगे, ड्यूल व्हील असेंबली होगी और उनके बीच एक फिक्स गैप होगा। ठीक है, और उस गैप में हम क्या करेंगे, इस बीम को अटैच करेंगे। तो एसेसरीज एंड टूल्स फॉर कलेक्शन ऑफ द सबग्रेड सॉइल सैंपल, हम सबग्रेड सॉइल सैंपल को भी कलेक्ट करते हैं, उसके लिए एसेसरीज हैं। और मेजरमेंट ऑफ द पेमेंट टेम्परेचर, द बेसिक यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड बेंकेलमैन बीम कंसिस्ट ऑफ, जो बेसिक इसकी यूनिट है, डेटम फ्रेम सपोर्टेड ऑन द रियर लेग विद प्रोविजन फॉर क्विक एडजस्टमेंट एंड टू फ्रंट लेग्स विद एडजस्टमेंट स्क्रूज। और सिलेंडर बीम ऑफ टोटल लेंथ, जो ये बीम है, बेंकेलमैन बीम है, इसकी लेंथ 3.66 मीटर है, हिंज टू द डेटम फ्रेम डिस्टेंस ऑफ 2.44 मीटर फ्रॉम द प्रोब एंड एंड क्लैंपिंग अरेंजमेंट। नाउ अ डायल गेज फिटेड विद द एक्सटेंशन रॉड्स टू बी इन द कॉन्टैक्ट विद द डिफ्लेक्शन बीम फिक्स्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1.22 मीटर फ्रॉम द हिंज। और जो डायल गेजेस हैं उसकी जो लीस काउंट है वो 0.01 mm है। और ट्रक है इज एडजस्टेड सच दैट द लोड ऑन द रियर एक्सल इज द 8170 kg इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टू साइड्स ऑफ द ड्यूल व्हील्स ऑन द इधर साइड विद द 4085 kg लोड ऑन द ईच पेयर ऑफ द ड्यूल व्हील्स। तो पर पेयर में कितना लोड है, 4085, और सिंगल व्हील पे जो लोड आएगा डिवाइड बाई टू, ठीक है, इतना ये लोड रहेगा सिंगल व्हील पे। द रियर द क्लियर स्पेस गैप बिटवीन द टू टायर्स ऑफ द ड्यूल व्हील शुड बी 30 to 40 mm। तो 3 to 4 cm का क्या होता है, दो टायर के बीच में, ठीक है, टू टायर्स ऑफ द ड्यूल व्हील्स शुड बी इतना मीटर स्पेस्ड, 3 to 4 cm के होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। सो दैट टू इंसर्ट द प्रोब ऑफ द डिफ्लेक्शन बीम द टायर शैल बी 10 × 20 ply इन्फ्लेटेड टू अ प्रेशर ऑफ द 5.60 kg/cm². तो कुछ और एसेसरीज हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 30 meter टेप की ज़रूरत होती है, चौक की ज़रूरत होती है फॉर मेकिंग द मार्क ऑन द सरफेस, टूल टू डिग द बिटुमिनस पेमेंट लेयर्स, ग्लिसरॉल, ठीक है, और थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर अप टू 100 degrees Celsius विद 1 degree Celsius एक्यूरेसी। अगर्स टू कलेक्ट द सॉयल सैंपल्स, तो यहाँ पे क्या, अगर बोरिंग हो रही होगी थोड़ी सी, क्योंकि हम जो है सैंपल को कलेक्ट करना है अगर्स इंस्ट्रूमेंट का यूज करके
फ्रॉम द सब ग्रिड प्लास्टिक बैग है विद प्रोविजन टू बी सील्ड टू कैरी द सॉइल सैंपल। तो ये सब क्या है, एसेसरीज है सो दैट द टेस्टिंग एंड द सैंपल कलेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैंपल्स शुड बी इन द प्रॉपर मैनर। वो सब प्रॉपर मैनर पे हो पाए ये सारे एसेसरीज के यूज करते हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चर इवेल्यूशन ऑफ द फ्लेक्सल पेमेंट है यूजिंग द बैंकलमैन। तो ये क्या है, बैंकलमैन बीम, ये डायग्राम है। तो यहाँ पे जो वन, ये क्या बता रहा है, जो डायग्राम पे वन मेंशन है वो डेटम फ्रेम को बता रहा है। टू है रियर लैग विद द क्यूब एडजस्टमेंट, और जो तीसरा है वो क्लैंप बता रहा है, ठीक है। चौथा डायल गेजेस है। पांचवा फ्रंट लैग्स विद द एडजस्टमेंट स्क्रूज हिंज और द प्रोब बीम है सिक्स, ठीक है। जो ये सिक्स है क्या, हिंज और द प्रोब बीम है, और जो सेवन है वो क्या, प्रोब एंड ऑफ द बीम। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी स्टडीज़ में हम करते हैं पेमेंट कंडीशन सर्वे, फिर डिमार्केशन ऑफ द रोड इनटू सब स्ट्रेचेज बेस्ड ऑन द पेमेंट सरफेस कंडीशन एंड ग्रुपिंग द सब स्ट्रेचेज इनटू थ्री ग्रुप्स, मार्किंग ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन। नाउ पेमेंट कंडीशन सर्वे, तो पेमेंट कंडीशन सर्वे हम करेंगे उसकी, ठीक है। तो कंडीशन सर्वे भी क्या क्या चीज़ें हम करेंगे, एक तो इसमें मेम्बर्स ऑफ द स्टडी टीम वॉक अलॉन्ग द रोड स्ट्रेच, तो रोड स्ट्रेच के अलॉन्ग मूविंग होगा, ठीक है, लोग चलेंगे जो भी ये टीम है। नोटिंग द विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑन द पेमेंट कंडीशन, तो सबसे पहले विजुअल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, और टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ क्रैकिंग ये मेजर किया जाएगा, ठीक है। इसको विजुअली हम चेक करेंगे, रट डेप्थ क्या है, टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ द सर्फेस एंड रिलेशंस क्या है, ठीक है, अनइवननेस कितनी है, पॉट होल्स क्या हैं, कैसे हैं, कितने हैं, ये सब कुछ इस पर देखा जाएगा। और उसके बेसिस पे क्या है, सरफेस कंडीशन का क्लासिफिकेशन है ग्रुप वन टू थ्री करके। तो ग्रुप वन में क्लासिफिकेशन गुड है, तो वहाँ पे जो नो क्रैकिंग है पैटर्न, और वहाँ पे जो डेप्थ है रड डेप्थ लेस देन 10 mm है, और फेयर में नो क्रैकिंग बट द रड डेप्थ इज 10 mm to 20 mm, और पुअर में एक्सटेंसिव क्रैकिंग है और रड डेप्थ ग्रेटर देन 20 mm। तो एडिशनल डेटा जैसे कि हम कलेक्ट करते हैं, कंडीशन ऑफ द शोल्डर्स, ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पेमेंट की डेप्थ ऑफ वाटर टेबल क्या है, ये सब हम इस पर मैंसन करते हैं। टेस्ट पिट्स आर डग एट अप्रॉक्सीमेटली 250 to 500 meter इंटरवल्स डिपेंडिंग ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन परफॉर्मेंस ऑफ द पेमेंट स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पेमेंट डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली, मेजर कर ली। और ये क्या है, ग्रुपिंग ऑफ द सब स्ट्रेचेज, फिर मार्किंग ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, फिर फील्ड डेटा कलेक्शन। नाउ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द फील्ड स्टडीज, जब हम फील्ड स्टडी करेंगे तो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन है। द ट्रक इज ड्राइवन स्लोली पैरेलल टू द एज, तो एज के पैरेलल ट्रक को स्लोली हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं। एंड स्टॉप्ड सच दैट द लेफ्ट ड्यूल व्हील टायर्स ऑफ द रियर एक्सेल इज सेंट्रली प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट डिफ्लेक्शन मेजरमेंट पॉइंट। तो वहाँ पे जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन मेजरमेंट पॉइंट है जो हमने मार्क किया है रोड पे, उसके ऊपर ही सेंट्रली प्लेस होना चाहिए। दिस कुड बी वेरीफाइड थ्रू द क्लियर गैप बिटवीन द टायर्स। द प्रोब एंड ऑफ द बीम इज इंसर्टेड बिटवीन द गैप ऑफ द ड्यूल व्हील एंड इज प्लेस्ड एग्जैक्टली ओवर द डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जो प्रोब एंड है बीम का इज इंसर्टेड बिटवीन द गैप, वो गैप के बीच में क्या इंसर्टेड है ऑफ द ड्यूल व्हील एंड इज प्लेस्ड एग्जैक्टली ओवर द डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन। नाउ व्हेन द डायल गेज रीडिंग्स इज स्टेशनरी और व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेमेंट डिफ्लेक्शन इज लेस देन 0.025 mm per minute, द इनिशियल डायल गेज रीडिंग डी नॉट इज नोटेड। व्हेन द डायल गेज रीडिंग इज स्टेशनरी, जब डायल गेज रीडिंग स्टेशनरी है या फिर जो रेट ऑफ चेंज है पेमेंट डिफ्लेक्शन का वो लेस है, लेस देन 0.025 mm per minute, द इनिशियल डायल गेज रीडिंग डी नॉट इज नोटेड। बोथ द रीडिंग्स ऑफ द लार्ज एंड द स्मॉल नीडल्स ऑफ द डायल गेज में भी नोटेड, तो हम डायल गेज में जो दोनों नीडल हैं उनकी रीडिंग्स को नोट करेंगे। फॉर इनिशियल रीडिंग इट इज़ कन्वीनियंट टू सेट द लार्ज नीडल ऑफ द डायल गेज टू जीरो। अब हम ट्रक को क्या करते हैं, पहले रीडिंग के बाद 2.5 meter पे इसको स्लोली फॉरवर्ड कराते हैं और मेजर करते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड इज स्टॉप्ड। द ट्रक इज मूव्ड फॉरवर्ड स्लोली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2.7 meter फ्रॉम द डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन पॉइंट and is stopped. The intermediate dial gauge reading DIE is noted when the rate of recovery of the rebound deflection of the payment is less than 0.025 mm per minute. The truck is then drive
फॉरवर्ड थ्रू अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 9.0 मीटर। और जो फाइनल डिफ्लेक्शन रीडिंग है वो क्या है, डी एफ है, इंटरमीडिएट डी आई है और इनिशियल डी नॉट है। तो हम तीन रीडिंग लेते हैं किसी भी डिफ्लेक्शन वैल्यू के लिए। सबसे पहले पहली पोजिशन पर हम उसको क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन मेजर कराएंगे, ठीक है, फिर 2.7 मीटर पर, फिर 9 मीटर पर, ठीक है। तो इस तरीके से तीन रीडिंग मिल रही हैं, डी नॉट, डी आई एंड डी एन डी एफ फ्रॉम अ सेट ऑफ रीडिंग्स एट वन डिफ्लेक्शन पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। सिमिलरली द ट्रक इज मूव्ड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, द बैंकलमैन बीम इज लॉक्ड एंड शिफ्टेड टू दिस पॉइंट, द क्लैंप ऑफ द बीम इज अनलॉक्ड एंड। इस तरीके से आगे फॉरवर्ड कराते हैं। नाउ कैसे इसको मेजर किया जाता है, ठीक है, ये क्या है, एलिवेशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं प्लान से, ठीक है। तो ये क्या है, रोड स्ट्रेचेज है, जो बॉटम वाला है वो क्या है, स्ट्रेचेज है। तो यहाँ पे बैंकलमैन बीम है, दिस इज अटैच्ड बिटवीन द क्लियर स्पेस बिटवीन द ड्यूल व्हील असेंबली, दो व्हील्स के बीच में जो गैप है उसके बीच में ये एडजस्टेड होता है और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और ऊपर भी ये चीज़ दिखाई हुई है, तो ये बीम है, ठीक है, कहाँ से जुड़ा है ये, टायर से, उससे। तो पहली जो रीडिंग होगी इनिशियल पोजिशन, फिर इंटरमीडिएट पोजिशन 2.7 मीटर पर जब ये व्हील यहाँ पहुँच जाएगा, और इसके बाद 9.0 मीटर पर ये फाइनल रीडिंग होगी, ठीक है। तो तीन रीडिंग है, इन तीनों से हम काम करेंगे। ये कुछ सैंपल्स लेते हैं, तो यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है, करेक्शन कब लगता है और कब नहीं लगता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो डी वैल्यू है, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल डायल गेज रीडिंग्स, ठीक है, डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द डी नॉट माइनस डी एफ होता है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट व्हेन द व्हील लोड मूव्स फॉरवर्ड द रिबाउंड डिफ्लेक्शन, जो रिबाउंड डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एंड द डिफ्लेक्शन डायल नीडल मूव्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, जो डिफ्लेक्शन डायल नीडल वो क्या होती है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती है। अगर डी आई माइनस डी एफ लेस देन इक्वल टू 0.025 mm है, या 2.5 डिवीजन ऑफ 0.01 mm यूनिट है ऑफ द डायल गेज, नो लैग करेक्शन इज टू बी अप्लाइड। तो डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द डी नॉट माइनस डी एफ, या फिर 0.02 डी नॉट माइनस डी एफ इन mm। अगर डी आई माइनस डी एफ वैल्यू क्या है, मोर देन 0.025 mm या 2.5 डिवीजन ज़्यादा है, तो लैग करेक्शन इज टू बी अप्लाइड फॉर द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द फ्रंट लेग्स। तो करेक्टेड जो रिबाउंड डिफ्लेक्शन है डी आफ्टर अप्लाइंग द करेक्शन इज गिवन बाय डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी नॉट माइनस डी एफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ द के इंटू डी आई माइनस डी एफ। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और जो रिबाउंड डिफ्लेक्शन वैल्यू है डी आफ्टर अप्लाइंग द करेक्शन, डी इक्वल टू 0.02 इंटू डी नॉट माइनस डी एफ प्लस 0.08582 डी आई माइनस डी एफ। तो इससे बेस्ट क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, ठीक है, और इंटरमीडिएट रीडिंग है, जब करेक्शन की ज़रूरत है आप करेक्शन लगाइए, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी यूजफुल मेथड फॉर द स्ट्रक्चर इवेल्यूशन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।